फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए कपड़े में से एक सूट बनाने वाले हैं। मेरे पास पीला 1.5 मीटर कपड़ा है और काला 1 मीटर। तो इस सूट के लिए हमने यहाँ पे दो चार्ट पेपर को आपस में चिपका लिया है और उसे बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हम इसमें डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है। सबसे पहले हम शोल्डर की माप लगाएंगे। आपकी जो भी शोल्डर की माप है, हम यहाँ एक्सेल साइज का बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर 8 इंच लगाई है और 8 ही इंच हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए दिया है। फिर हम यहाँ पर एक एक्सटेंड कर देंगे लाइन ऊपर से। हम अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 14 इंच पे कीजिए, हमने 13.5 इंच पे मार्क किया है और फिर एक 21 इंच पे मार्क किया है। इन लाइंस को हम आपस में बढ़ा देंगे। आपको हम बताना चाहेंगे ये एक्सेल साइज की कुर्ते की माप है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पे एक डॉट करेंगे और फिर उसे इस तरह से गोलाई दे लेंगे। तो ये हमारी बेसिक कटआउट बन जाएगी ये इस तरह से। और फिर हम ये देखिए आधा इंच अंदर की ओर निशान करके हम आगे के हिस्से का आर्म होल कट करेंगे। तो पीछे का ये अंदर वाला है और आगे का आगे, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम इस पे यहाँ साइड की फिटिंग के मार्क लगा देते हैं। हमने यहाँ पर एक जो फर्स्ट मार्क है हमारा 11 इंच पे है और 1 इंच सीम अलाउंस का। फिर ये 10.5 इंच पे है, 10.5 इंच पे एक ये वाला मार्क लगाया और 1 इंच सीम अलाउंस का। नीचे की ओर हमें 12 इंच चाहिए। आप अपने जो भी सरकमफेरेंस हो उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा और 1 इंच जोड़ किए और फिर 1 इंच सीम अलाउंस का दे लीजिएगा। आपको नाप अपनी ही यूज़ करनी है। पहले आपकी जो भी चेस्ट की माप हो उसे 4 से डिवाइड कीजिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए और 1 इंच सीम अलाउंस का लीजिए। तो इसी तरह से हमने ये मार्क कर लिए हैं और इसे इस तरह से कर्व लाइन से जोड़ लिया है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा चार्ट पेपर पतला आ रहा है तो हम यहाँ पर जो 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए वो हम डायरेक्ट कपड़े पे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक कटआउट मिल गया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने अपने कपड़े को लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड किया है। साइड में हमें 1 इंच की एक्स्ट्रा सीम अलाउंस नीचे चाहिए थी तो वो हमने एक्स्ट्रा दे ली है और उसके बाद इसके कटआउट के हिसाब से ही मार्किंग कर लेंगे। क्योंकि नीचे हमारा 1 इंच की सीम अलाउंस नहीं जुड़ पा रही थी तो वो हमने डायरेक्ट कपड़े में इस तरह से निशान लगा लिया और नीचे तक मार्क कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे लंबाई का। हमें जितनी भी लंबाई अपने कुर्ते की चाहिए उस हिसाब से, हमें यहाँ पे 42 इंच चाहिए थी तो हमने 42 इंच पे एक मार्क करके एक सीधी लाइन खींच लेंगे और फिर जो जो मार्किंग करी है उसके हिसाब से ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जो पीस मिलेगा ये हमारा बैक का पीस होगा और फ्रंट का हम बताएंगे कैसे कटेंगे। कटिंग कर ली है बैक की, अब फ्रंट के लिए साइड का पीस जो है वो यूज़ करेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए जो हमारा ये कटआउट साइड से निकल के आया है एज इट इज़, हम इसे अपने कटआउट पे इस तरह से बिछा देंगे। याद रहे कि हमें 1 इंच सीम अलाउंस एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि हमने नीचे की तरफ चाक की तरफ सीम अलाउंस ऐड नहीं किया है। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा दे लिया और इसे इसके ऊपर इस तरह से बिछा लिया। अब हम इसकी इस पे मार्किंग, जैसा जैसा ये कपड़ा जैसे घूमा है हम उसी स्टाइल से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा कम है तो उसी स्टाइल से हमें करना है और फिर ऊपर तक हम इसे इसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे। ये वही कपड़ा है जो साइड से बच जाता है हमारी कटिंग में, ये इस तरह से। और लंबाई का मार्क तो यहाँ पहले से ही है तो दिखा रहे हैं एक बार फिर से। इसको इस तरह से रखना है, आप देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा साइड में देते हुए, क्योंकि साइड का मार्किंग भी करना पड़ेगा हमें तो उसी हिसाब से भी हमें रखना है। ये देखिए हमने इसको इस तरह से बिछाया है, 1 इंच एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब साइड की मार्किंग भी हम साथ में ही कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए यूँ। तो ये हमने इसको इस तरह से बिछा लिया। थोड़ा सा हमारी लाइन मिसप्लेस हो गई तो हम उसे फिर से ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यूँ मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारी यूँ मार्किंग हो गई, ये शोल्डर की हो गई, क्योंकि हमें पीछे से चार्ट पेपर तो दिखता है तो वैसे ही मार्किंग करके इसे कट कर लेंगे, लंबाई बराबर रखेंगे। इसकी कटिंग करने जा रहे हैं, ऊपर का एक्स्ट्रा पीस वैसे ही कट कर ले रहे हैं और पूरा नीचे तक कट कर लेंगे। जैसे एक पीस हमें मिल गया, अब दूसरा पीस ब्लैक यहाँ से कटेंगे। दूसरा कटआउट हमने ब्लैक पीस पे 1 इंच एक्स्ट्रा देते हुए बिछाया है और हम अभी दिखाएंगे कि कैसे करेंगे। इसकी मार्किंग साइड की ऐसे दे ली हमने, इधर से हमें लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के सीम अलाउंस, क्योंकि हमें बीचों बीच में जोड़ डालना पड़ेगा पीले और काले कपड़े में, तो हमने 1/2 इंच की सीम अलाउंस दी है। अब जो दूसरा वाला कटआउट था जिसके साथ पीला कट किया था उसको इधर रखेंगे
और फिर हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा की मार्किंग कर लेंगे ये, जिससे हमारी परफेक्ट शेप आ जाए। अब हम कट करेंगे आस्तीन, बचा हुआ कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से हम अपनी जो शोल्डर की कटिंग थी उसे नापेंगे, तो ये 11.5 इंच आ रही है। ये पूरा जो भी कपड़ा हमारे पास बचा है वो इतना ही है, तो हम यहाँ 11.5 माप पे 11 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। ये 4 फोल्डेड कपड़ा है हमारा इस तरह से, और हमें क्योंकि 11 इंच हमारी गोलाई है तो 11.5 पे मार्क किया। लंबाई हमारी 18 इंच आ जाएगी, इस तरफ से हम 13 इंच पे यूँ मार्क करेंगे और यूँ तिरछी एक लाइन ऊपर तक यूँ मिला लेंगे उस इंटरसेक्ट वाले प्लेस से, और फिर इसका बीच का पॉइंट निकाल लेंगे। ये देखिए बीच का पॉइंट पे डॉट करना है, और 0.5 इंच अंदर की ओर इस लाइन से और 0.5 इंच बाहर की ओर हमें एक लाइन खींचेंगे। जो अंदर की ओर है वो आगे का आर्म होल है और बाहर की ओर वाला पीछे का। तो इस तरह से हमें जितनी भी आस्तीन चाहिए उस पर मार्क किया और फिर इस लाइन को तिरछा यूँ मिला दिया। अभी जो साइड से कपड़ा बच रहा है हम इसे गले की पट्टी में यूज़ कर लेंगे जोड़ लगा के थोड़ा सा। तो इस तरह से हमारी ये पीछे का हमने आर्म होल कट कर लिया। ये जो साइड से कपड़ा आने वाला है इसे हमें गले की पट्टी में यूज़ कर रहा है, ध्यान रहे इसे फेंकना नहीं है। फिर हम इसे खोल लेंगे यूँ, और 2 पल्लों में हम आगे का आर्म होल कट कर लेंगे और हम लिख देंगे कि कौन सा हमारा आगे का आर्म होल है। तो ये हमारी आस्तीन भी कट गई, अब सिलिंग करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ बटन से बना लेंगे। एक हमने 2x2 का चौकोर टुकड़ा कट कर लेंगे पीले और काले, और उसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करके इस तरह से चुन्नट देते हुए, देखिए ये हमने ऊपर से एक बार फोल्ड किया और फिर चुन्नट देते हुए इस तरह से, तो इस तरह से हमारे बटन जैसे बन जाएंगे जिसे हम सिल लेंगे। तो अंदाज से आपकी जितनी लंबाई हो थोड़ी थोड़ी दूरी पर पीले और काले बटन लगेंगे, बटन या आप इसे लूप कहिए जो भी कहिए वो लगेंगे, तो हम उसे इसी हिसाब से सेट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं ये, इस तरह से हमें काले और पीले बनाने हैं। लूप्स हमारे बन जाएंगे, उसके बाद हमारा जो पीला वाला साइड वाला कपड़ा है उसके ऊपर उल्टे लूप्स रखेंगे। देखिए उल्टे लूप्स रखेंगे क्योंकि हमें इसे पलटना भी होगा। अभी सिलते टाइम देखिएगा कि कैसे सिलेंगे। इसे इस तरह से रखा, हमें ऊपर से लगभग 8 इंच छोड़ना है, ऊपर से 8 इंच लगभग हमने छोड़ दिया है। उसके बाद लूप को हम उल्टा रखेंगे, ये देखिए किस तरह से, अभी आप देखिएगा आगे आएगा, लूप हमारा अंदर की तरफ है यानी कुर्ते की तरफ है और वो भी हमने उल्टा रखा हुआ है। ये इस तरह से देखिए यूँ ये सिल गया, एक काला सिल गया। आप पीला लगाएंगे थोड़ी दूर पे, ऐसे ही करते जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमारा ये लगाना है हमें। लूप उल्टे ही होने चाहिए, इस तरह से पूरे में हमें जोड़ लेना है। जब ये पलटेंगे तो ये सीधे हो जाएंगे लूप, इस तरह से सीधे हो जाएंगे। अभी हम इसे काला छोड़, तो ये लूप जुड़ गए हैं। अब काला और पीला कपड़ा जो बीच की सिलाई है उनके, जहाँ से हमने काले कपड़े पे 0.5 इंच एक्स्ट्रा दिया हुआ था सीम अलाउंस, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जोड़ते जाएंगे और लूप बीचों बीच में ही आ जाएंगे। इस हिसाब से सिलाई करना है कि जो पीला कपड़ा हमने इसीलिए ऊपर रखा है कि जो गाइडलाइन सिलाई हमने लूप को जोड़ते टाइम बना ली है उसी के ऊपर सिल लें, जिससे लूप हमारे जुथड़े वगैरह ना निकले, उसमें से गाइडलाइन सिलाई पे ही सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे, उसके बाद पलट के, ये देखिए इसको पलट के इस तरह से लूप को काली तरफ रखते हुए यहाँ पर 2 सिलाई और डाल देंगे, दाब सिलाई यहाँ पर 2 देंगे। ये देखिए दाब सिलाई दे ले रहे हैं काले और, जिससे अच्छे से बैठ जाए ये आगे का हिस्सा। लूप हमारे काली तरफ है और हम सिलाई पीली तरफ कर रहे हैं और 2 दाब सिलाई हम यहाँ पे देंगे। इस तरह से ये लुक आएगा हमारा, फ्रंट का पेस बन गया है। अब हम गला कट करेंगे। गला कट करने के लिए हमने जोड़ लगा लिया है कपड़े पे और डबल फोल्ड कर लिया है अपना पीस भी, और गले के पीस को भी डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पे 3 इंच पे यूँ मार्क करेंगे और हमें गले की गहराई ऐसे 7 इंच चाहिए, तो 7 इंच पे यूँ सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हल्की सी गोलाई दे लेंगे क्योंकि हमें सीधी एकदम लाइन नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये गला दोनों ही पट्टी और इसका साथ साथ कट जाएगा। अब ये पट्टी वाले हिस्से को हम हल्का सा 1 इंच चौड़ाई देते हुए यूँ कट कर लेंगे। अभी जो साइड से बचा है इसको हम पीछे के गले की पट्टी बना लेंगे, और ये भी पट्टी है क्योंकि ये ऑलरेडी, ये देखिए पीछे की पट्टी बन जाएगी, इसे हम आराम से कट कर जोड़ लेंगे और आगे की पट्टी बन गई है। इस आगे की पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा हम अपना कुर्ता रखेंगे और यूँ सिलाई दे लेंगे और फिर पलट के दाब सिलाई देंगे।
देखिए हमने पट्टी जोड़ ली है यहाँ। अब इसे यूं पलट करके अंदर की तरफ हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए एक बार और सिलाई दे लेंगे फिनिशिंग से। इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड, और यहाँ पे चाहें तो आप बखिया भी कर सकती है अगर आपको सिलाई में दिक्कत हो तो। ये आप यहाँ पे एक सिलाई दे लीजिएगा। पीछे के गले के लिए हम जो पट्टी बनाए हैं इसे हम बाद में टक करेंगे, पहले हम पीछे के गले को सॉरी पीछे के पीस को आगे के पीस में ही यूज़ कर लेंगे। तो पीछे का गला कट कर लेते हैं 3 इंच बाई 3 इंच पे। इस तरह से गुलाई देते हुए हमने पीछे का गला कट कर लेना है क्योंकि अभी तक हमने कट नहीं किया था। ये हो गया, और ये पट्टी यहाँ पे सीधे कपड़े पे उल्टी पट्टी रख के हम जोड़ेंगे यूँ, बट अभी नहीं जोड़ेंगे, पहले हम शोल्डर जोड़ लेंगे दोनों के। शोल्डर जोड़ने जा रहे हैं ये, याद रखिए अंदर की ओर हमारी पीछे का जो पल्ला है वो थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि अभी पीछे के पल्ले पे पट्टी नहीं जुड़ी, जबकि आज आगे पट्टी जुड़ चुकी थी इसलिए पीछे का बीचों बीच से थोड़ा बड़ा रखा था। अब यह जो बढ़ा के रखा हुआ था इस पे हम यही और ये भी पट्टी जो कट करके निकाली थी वो जोड़ देंगे। ये थोड़ा सा फोल्ड डबल फोल्ड करके जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी आगे की पट्टी को भी थोड़ा सा दबा एडजस्ट करने में यानी फिनिशिंग देने में यूज़ होती है। तो इस तरह से बिना खींचे पट्टी को हम ना गला खींचना है ना पट्टी खींचना है, और इस तरह से पूरा हमें जोड़ लेना है। ये वहीं पे जो एक्स्ट्रा पीछे का हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि आगे तो हम गला बना चुके हैं तो वहाँ तो थोड़ा सा यूज़ हो चुका है, यहाँ पर हमें वहीं तक सिलना है जहाँ वो एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया। अब इस पट्टी को पूरा का पूरा अंदर की ओर डबल फोल्ड करना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कट कर दे रहे हैं आगे का, ये इसको डबल फोल्ड करना है तो आगे के हिस्से पे थोड़ा सा ये ओवरलैप होता है। और डबल फोल्ड करके पीछे की भी हम सिलाई चाहे तो बखिया कर सकते हैं चाहे तो हम मशीन से ही सिलाई कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहती हैं। तो इस तरह से हमने ये यहाँ सिलाई दे ली, तो गले की फिनिशिंग इस तरह से अच्छी आती है क्योंकि आगे का गला पहले हमने बना लिया, फिर पट्टी टाके पीछे, और उसके बाद उस पट्टी को हम यूँ इस तरह से आगे को अब ओवर रैप करते हुए इस तरह से सिलना है। तो ये हमारी पूरी फिनिश कर लेनी है। और याद रखिएगा हमने जैसे शुरुआत पीछे की पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए की थी अंत भी वैसे ही किया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए ये एंड तक हम सिलेंगे और थोड़ा सा फिर हम इसको घुमा के सिल देंगे जिससे कि जो हमारी डबल फोल्डेड पट्टी है वो भी ये देखिए इधर से सिल दिया। ये हो गई हमारी पट्टी तैयार फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी लग जाने के बाद हम यहाँ पे आर्म्स मतलब आसीने जोड़ेंगे। तो आप बीचों बीच में हमने कट लगा लिया है यहाँ आस्तीन में, उस बीचों बीच के कट को शोल्डर की सिलाई से मिलाते हुए आप चाहें तो बीचों बीच से सिलाई शुरू कर दीजिए चाहें आप अंत से शुरू कीजिए। हम इस तरह से ये आस्तीन सिलते जाएंगे, आप बीचों बीच से शुरू कर सकते हैं या आप साइड से भी शुरू कर सकते हैं आपकी जैसी इच्छा हो। तो इस तरह से सिलना, आस्तीन जुड़ जाने के बाद हम आस्तीन के दूसरे साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलेंगे और फिर इसको डबल करके इस तरह से साइड की फिटिंग की सिलाई 1 इंच छोड़ते हुए सिल लेंगे। नीचे फिटिंग की सिलाई है 1 इंच छोड़ के सिल रहे हैं और हमने यहाँ पर चाक तक ही सिला है और लॉक कर दिया है क्योंकि अभी हमें चाक बनाना है। तो चाक बनाने के लिए नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा साइड का जो कपड़ा है ना चाक का वो डबल फोल्ड करके हम ऊपर जहाँ तक हमने छोड़ा है वहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे सिलते हुए जाएंगे ऊपर, और फिर जब ये एक साइड की ये चाक सिल जाएगी फिर दूसरी चाक तरफ की भी चाक को डबल फोल्ड करके तैयार रखेंगे और मशीन को हल्का सा सुई अंदर रखते टाइम घुमाएंगे और फिर यहाँ लॉक कर देंगे जिससे कि साइड से चाक खुल नहीं जाती। ये देखिए कई बार हम लॉक कर देंगे, उसके बाद हम दूसरी तरफ की भी चाक की ये डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये दोनों साइड में करना है, हमें चाक बना लेनी है, नीचे से शुरू करना है, बीचों बीच में लॉक करना है और फिर नीचे तक इसको ऐसे कंटिन्यू करना है। तो ये हो गया। ये होने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इसे एंड तक सिलना है, नीचे जाकर हम डबल फोल्ड कर देंगे अपने कुर्ते को नीचे से भी
तो ये हमारी पूरी हो जाएगी और कैसी फिनिशिंग आएगी वो दिखाते हैं। देखिए नीचे से भी हम सिल लेंगे पूरा, डबल फोल्ड करके चाक बन गई है दोनों तरफ की और हमने नीचे से भी ऐसे सिल लेना है। आस्तीन सिलते टाइम आप याद रखिएगा कतई खींचिएगा मत, नहीं तो वहाँ पर थोड़ा सा झोल जैसा आ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर वहाँ प्लेट्स वगैरह बन जाती हैं, वो खींच दो तब भी आ जाती हैं, या अगर आप आगे के मुड्डे को 1 इंच एक्स्ट्रा ना काटो तब भी आ जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने सिल लिया एंड तक। अब आप इसका फाइनल लुक देखिएगा कैसे करना है। इसे धागे कट करिए, प्रेस कीजिए और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमारा एक कुर्ता रेडी है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करते हुए अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आप हमारा लेटेस्ट